हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पवन इंडियंस। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं एलिफेंटा आइलैंड। तो आज हम बोट फेरी से जाएंगे एलिफेंटा। तो चलिए आपको दिखाते हैं और शेयर कराते हैं एलिफेंटा आइलैंड। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं गेट ऑफ इंडिया के पास पहुँच चुका हूँ और मैंने एलिफेंटा आइलैंड के लिए टिकट भी ले लिया है, जिसका पर हेड प्राइस है 260 रुपीज़। सो इसमें आपका रिटर्निंग का भी ऐड है। सो चलिए हम लोग निकलते हैं फेरी की तरफ और दिखाते हैं आपको। तो भाई, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं फेरी पे आ चुका हूँ और यहाँ पे टॉप पे आने के लिए आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और वैसे 260 है, बट यहाँ पे ऊपर टॉप पे बैठने के लिए आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो चलिए बैठते हैं पहले, फिर उसके बाद दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे आइलैंड पे, यहाँ पे आपको फ्रूट्स की
जो उसकी बहुत सारी आपको दुकानें यहाँ मिली हैं, यहाँ पे आप कुछ भी खा भी सकते हो यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ से आप निकल सकते हैं। चलिए चलते हैं। गाइस हम लोग प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और ट्रेन आ चुकी है जैसा कि आप देख रहे हो, और निकलते हैं आगे। गाइस ये है यहाँ की लोकल मिनी ट्रेन जो आपको छोड़ती है। इसे कहते हैं प्यास। थैंक यू। सो गाइस फाइनली यहाँ पे भी आने के बाद आपको टिकट लेना पड़ेगा जिसका प्राइस है 40 रुपीज। ये देखिए, सो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप एलिफेंट आइलैंड पे आप आते हो, वहाँ पे गेट पे आपको 5 रुपीज़ एंट्री फी देनी पड़ती है, एंड देन अब जब आप कीप की तरफ एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको 40 रुपीज़ पे करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा।
एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे आप अगर मानसून में आते हो तो ही अच्छा लगता है, अदरवाइज तो इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी रहती है कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर हम लोग आ सकें। सो चलिए देखते हैं। थैंक यू, अलाउ नहीं है। ओके ठीक, श्योर कोई। हाय गाइस, फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ। और आज एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे और मैंने शूट भी नहीं कर पाया पूरी तरह से। बट हाँ, मैंने कुछ कुछ जगह पे मैंने शूट किया है और जहाँ पे शूट किया वहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ नहीं दी है। तो आज ज़्यादातर हो सकता है कि आपको सिनेमेटिक सीन ही आपको मिले। तो आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।